अच्छा 200 किले बाऊंगा, 4-5 नहीं 200। अच्छा, ये तो ट्रैक्टर चला है बाए हो। अच्छा, तारा के मुछाई थी, बीज मार दिया। शेप बाहर से बिल्कुल अच्छी दिखाई देगी लेकिन अंदर से बिल्कुल खत्म, यानी कि बीमारी का बिल्कुल खत्म किया हुआ टिंडा मिलेगा आपको। स्टार्ट हो जी। नमस्कार, मैं कविता नरवाना, एनजी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों से एक अपील है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम डुमरका खुर्द में पहुंचे हुए, यहाँ पर किसान अपनी फसल को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। इतनी मेहनत से उन्होंने फसल लगाई थी और उनसे हम बात करेंगे क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, क्या नाम आपका? कार्तिक। हाँ जी, कितने किले आपके पास? हमारे मैम कम से कम 5-6 किले है बाड़ी के। अच्छा, तो आप फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? फसल एक तो सरकार ना खून पीर खे, और एक प्राकृतिक, एक भी टिंडा पाड़ेगा देख ले, एक भी टिंडा में ना कपास होंगी ना कमे। एक तो किसान के सरकार ना खून पी लिए, एक भगवान ने नाश कर रखा सारा। हाँ जी, आप एक बार दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकते हो, किसी भी कहीं भी किसी को तोड़ के देख लो, ये देख लो। हाँ जी, सभी दर्शक देख सकते हैं कि देखो कि कितना पूरा का पूरा नुकसान है, मेहनत पूरी बेकार गई हुई है। एक भी टिंडा को निकलता है। हाँ जी, इस बाड़ी में कम से कम हमारे 50-60 हज़ार रुपये लग गए, हर एक किलो में कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन देख लो अब ये 50-60 हज़ार, अरे ऊपर से किस सरकार इसका मुआवजा 1 रुपया भी नहीं देगी, इसका मुआवजा सरकार। ये देख लो, जो है किसान फिर नुकवा, किसान नूकरा, किसान नूकरा। आखिरी में कीमे को नहीं बचा, सारी मेहनत पानी में गई है। हाँ जी, आज तक आपने फसल में कितना कुछ खर्चा लगाया जो आज बर्बाद कर रहे हो आप? कम से कम इस किले पर 40,000 रुपया खर्चा आ चुका है हमारा। हाँ जी, सभी दर्शक देख सकते हैं कितना इन्होंने रुपया भी लगाया इसके अंदर, और फिर भी मेहनत भी की है इन्होंने, और फिर भी इसका कुछ भी वो नहीं मिल रहा किसान है। आखिरी में आकर इसका 1 रुपया का बेनिफिट भी नहीं मिला। हमारे 40,000 रुपये एक किला के साथ, हमारे 5 किले थे, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया का नुकसान होगा, इसका नुकसान कौन भरेगा? अब ऊपर से सरकार हमारे काले कानून नहीं वापस कर रही वो, अरे वो जीरी वैसे रोड पर सड़कों पड़ी है, वो ऊपर से भगवान बूंद आती और आती है, सारी जीरी भी नुकसान होने लग रही, जीरी देख लियो जीरी खराब होने लग रही। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम आपका? मनीष जी। हाँ जी, आपको सरकार की तरफ से लगता है कि हमें मुआवजा मिलेगा किसानों को? ना जी, कोई मुआवजा नहीं दी सरकार जी, कोई आशा नहीं आपको फिलहाल सरकार की तरफ? ना जी, कोई आशा नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देख लिया गांव डुमरखा खुर्द में पहुंचे, और आप देख सकते हैं यहां पर किसान जो लगातार मेहनत करता है और 10 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है, उनकी हालत आप देख सकते हैं बदतर हो चुकी है। और ये देख सकते हैं किसान जो बच्चों की तरह इन पेड़ों को उगाता है, फसल तैयार करता है, आज वही नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। कारण क्या है बर्बाद करने का? किसानों से बात करें, हमारी कविता जी सहयोगी है, उनसे भी उन्होंने बात करी है भाई क्यों बर्बाद की जा रही है। और इतना पैसा लगाकर किसान जो अपनी फसल को तैयार करता है, आज वो खुद अपने ट्रैक्टरों से यहाँ पर देख सकते हैं खुद नष्ट कर रहा है, खुद नुकसान कर रहा है अपना। ये नुकसान पूछेंगे क्यों किया जा रहा है? फिलहाल
सभी दर्शकों से एक अपील है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो सभी भाई इस वीडियो को देखे, हर किसान के पास, हर मजदूर के पास ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए गांव डुमर का खुर्द की, क्योंकि जो किसान है आज इस हालत पर पहुंच चुका है कि अपनी जो फसल है वो बर्बाद कर रहा है। इसका कारण भी आपको सामने रखा गया है। अंदर फसल उगती है, जो हमारी कपास होती है, उसके अंदर एक बीमारी लग चुकी है, जिसके कारण से पूरी जो फसल है, जितने भी किल्ले होते हैं, सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। इन भाइयों से, जो भाई मेरी वीडियो को देखते हैं, सभी से एक दोबारा फिर हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो को ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि जो भाई ये किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, इनको इनकी फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। बच्चों की तरह पालते हैं इन पेड़ पौधों को, और आखिर में खुद नष्ट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इनके दिल पर क्या बीतती होगी। परिवार का खर्चा भी होता है, खेत का खर्चा भी होता है, और भी कई तरह के खर्चे होते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ फसल बर्बाद की जा रही है। देख सकते हैं मेरे पीछे आप, ट्रैक्टर चलाया जा रहा है इस फसल के ऊपर। इन जो फसल 9 महीने से तैयार की जा रही थी, आज उस फसल को खुद बर्बाद किया जा रहा है। देख सकते हैं किसान इस नरमा की जो फसल है, इसको कैसे बर्बाद कर रहा है, कैसे नष्ट कर रहा है, ये देख सकते हैं। सभी यहाँ पर युवा भाई है, सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी से एक एक कर बात करेंगे, क्या कुछ कारण है, सभी से बात करते हैं एक बार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो बीमारी आई अभी आपने दिखाई थी, दोबारा फिर दिखाना चाहोगे? ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए। इस प्रकार की बीमारी, इसके अंदर कीड़े की बीमारी है, देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। सर, ये बीमारी का कारण क्या हो सकता है, कैसे इसके अंदर लगी है? पहले भी कई बार ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई है, कई और जगह पर भी, तो मतलब यह गांव डुमरखा जो खुर्द है, इसके इसी खेत में है या फिर और भी आसपास? सारे गांव में है जी, सारे गांव सारा इस में सभी। तो इसका कारण क्या है, मतलब क्या रही है इसकी मेन? क्या तो कारण तो क्या है जिसका, ना ही कोई स्प्रे बढ़िया है, ना ही कोई बीज है जी। अच्छा जी, सबके ये हाल है जी। अच्छा अच्छा, गांव गोड में सभी का बुरा हाल है। अच्छा, तो आज जो आपकी ये बर्बाद करो, कितने किले यहाँ पर नष्ट कर रहे हो जी, क्योंकि ये बताया जा रहा बीमारी लगी हुई? कम से कम भी 200 किले। अच्छा जी, आज 200 किले कम, जो पूरा गांव है तो कंडीशन। अच्छा, पूरा गांव में है। हाँ, ये तो अभी 4 किले है, जैसे 5 किले है, 200 किले बाऊंगा, 4-5 नहीं 200। अच्छा अच्छा, ये तो ट्रैक्टर चला है बाए हो। अच्छा अच्छा, इसने ये मुछड़ा नहीं, इसकी तारा भर के मुछड़ा थी, बीज मार दिया। अच्छा अच्छा जी, सच्चाई तो ये है कि घोटाला किस वजह से, अब आपने बताऊँ। देख घोटाला, ये जो ये बीज ये जो पैकेट आया करते दो। अच्छा जी, दो पैकेट मिला करते, उसको जो पैकेट के अंदर आया करते दो बीज जो गिरता। अच्छा जी, उसमें दो पैकेट आए करते छोटे 100-100 ग्राम के, उन्होंने मिलावट करी कंपनी से। ऐसे देखे किसान को बर्बाद करने की ये सरकार की साजिश है। साजिश है, ये कोई छोटी बात नहीं, किसान क्या करने लगा है? सही बात, क्या करेगा, इसके बच्चे कैसे गुजारा करेंगे, ये आप बताओ। सरकार से गुजारिश है कि आप, और एक यूपी के अंदर भी सरकार किसानों के ऊपर गुंडा राज है जी। अच्छा जी सर, गुंडा राज, ये कोई ये तीन कानून, सवाल सरकार से ये तीन कानून ये बर्बाद, आप देख रहे हो कैसी बर्बादी है, सिर्फ बर्बाद करने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही। तो भाई सरकार से पटवारी से बात करते हैं तो जाके कहते हैं कि तहसीलदार से मिलो, तहसीलदार से बात करते हैं तो SDM से मिलो, SDM से बात करते हैं तो DC से मिलो, DC साहब के पास जाते हैं, DC ADC बोलते हैं, जिसको ADC बोलते हैं कि DC से मिलो। अच्छा। DC से मिलते तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन नहीं कर, सभी अपना अपना पल्ला जाते हैं। हाँ जी सर, सभी अपना अपना पल्ला जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, बस सरकार अपना। तो भाई युवा साथियों से ही बात करेंगे, भाई साहब कितने किले आप यहाँ आपके खुद के, जैसे 200 तो भाई ने बता दिया, पूरे गाँव में लगी हुई ये बीमारी जो, तो आपके यहाँ कितने आज जो आप नष्ट कर रहे हो? 4-5 किले आए हैं। 4-5 किले, कितनी कॉस्ट आई थी इसपे? इसमें कम से कम 1.5 लाख। अच्छा, अब क्या लगता है अभी आपकी जो इसकी फसल का मुआवजा क्या लगता है? बस 1.5 लाख गए पानी में, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा हमें, बस इसकी, ऐसे ही। इसकी इंस्पेक्शन के लिए कोई अधिकारी आए जिससे आपने, मतलब इसके बारे में? कुछ भी नहीं आया, कौन आएगा, किसानों की तरफ कोई नहीं आता, फील्ड ऑफिसर कुछ वगैरह कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर, कोई नहीं आता यहाँ पर। तो भाई देख सकते हो आप, यहाँ पर गाँव डुमरखा खुर्द में पहुंचे हैं, वीडियो को शेयर कर देना। इस भाई के तो 4-5 किले है, गांव पूरा चपेट में आ चुका है इस बीमारी के में, जिसके कारण से काफ़ी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यहां से इसलिए कवरेज दिखानी जरूरी थी, क्योंकि जो ये बीमारी है किसानों के ऊपर किस प्रकार से हावी है, हर जो जगह है, गांव पड़ते हैं, कई जगह पर ऐसी बीमारी देखने को मिली, जिससे
जो किसान है किसानों का शोषण हो रहा है। आपको पता ही है लगातार जो 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं उनका लगातार सरकार शोषण कर रही है। अब ऊपर से प्राकृतिक आपदा ने भी चपेट में ले लिया है किसानों को, जिसके कारण से काफ़ी नुकसान इनको हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण और सरकार के कारण। मैं चाहूँगा, मेरी भी एक अपील है भाई, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो किसान लगातार मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का जो फल है वो मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये देखो भाई, मतलब ये कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई थोड़ा सा खराब है बाहर से तो खराब निकलेगा। अगर बिल्कुल बढ़िया टिंडा दिखाई देता है बाहर से, शेप बाहर से बिल्कुल अच्छी दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़त्म, यानी कि बीमारी का बिल्कुल ख़त्म किया हुआ टिंडा मिलेगा आपको, जो इसकी फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है किसानों की। तो वीडियो को शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।